जय महाराष्ट्र, मी विशाल पाटील, राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत। या कार्यक्रमात आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि या कार्यक्रमात वर्तवलेली भविष्यवाणी ही 99% खरी उतरत असते। आज पुन्हा एकदा राजकीय विषयांवरती आपण बोलणार आहोतच आणि नेहमीप्रमाणेच अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा। पंडितजी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस शो में। तर सगळ्यात आधी आपण सुरुवात तर करणार आहोतच, मात्र सगळ्यात पहिला मला जो आहे तो प्रश्न पंडितजींना आज विचारावा असं वाटतं की पंडितजी, नवरात्री की शुरुआत हो चुकी है, आज चौथा दिवस है, चौथे दिवस के अनुमति को देखते हुए हम लोग अगर देखें तो कुष्मांडा देवी जो है जी, उनका क्या महत्व होता है संसार में? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि नौ देवियों का जब हम समावेश लेते हैं नवरात्रों में तो बहुत ही सुंदर समावेश मिलता है। इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान शंकर ने जिस तरह का सिस्टम एनर्जीज का निर्माण किया है, उस वो नौ देवियों के माध्यम से ये ब्रह्मांड चल रहा है, नौ शक्तियों के माध्यम से ये ब्रह्मांड चल रहा है। हमारे सनातन और हिंदू धर्म की सबसे पहली किताब जो मनु संहिता है उसमें लिखा हुआ है, नारेस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और कुष्मांडा देवी, यानी आज चौथे नवरात्रे पे जब हम मां कुष्मांडा की बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये देवी जो है उनको वो जिम्मेदारी दी गई है कि अगर वो जिम्मेदारी अपनी ना पहनाए अपनाए तो पूरे विश्व में अंधकार मच सकता है जी। कुष्मांडा देवी जो है वो पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करती है, यानी सूर्य, चंद्रमा, जितने भी तारे, इन आप देख रहे हैं जितने भी एनर्जीज ब्रह्मांड में सोलर सिस्टम के माध्यम से घूम रही हैं, और आपके शरीर में जो न्यूरो सिस्टम है, जिन जो आपके जीवन में मराठी में बोलते हैं ना मेंदू, और स्मॉल एंड बिग ब्रेन, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग के ऊपर भी सोलर सिस्टम का इफेक्ट पड़ता है। अगर सूर्य नहीं उगे तो अंधकार मच जाता है जी। इसलिए मां कुष्मांडा का आशीर्वाद लेके सूर्य देव सुबह सुबह उदय होते हैं। और कुष्मांडा देवी जो है, अगर आप ओम कुष्मांडा देवीये नमः इस मंत्र का जाप करें तो आपके जीवन में डिप्रेशन और नेगेटिविटी दूर हो जाएगी जी। ओम सिंपल मंत्र बोल रहा हूं, वैसे तो बड़े बड़े मंत्र हैं, मगर सिंपल मंत्र ओम कुष्मांडाये देवीये नमः इस मंत्र का अगर आप जाप करें तो डेफिनेटली आपके जीवन में डिप्रेशन, न्यूरो सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, सोलर सिस्टम को आज की मां जो है वो कंट्रोल करती हैं, उनको शत शत प्रणाम करते हैं। और ध्यान रखें कि कुष्मांडा जो है उनका नाम लेने मात्र से आपके बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पार्किंसन या सिजोफ्रेनिया, इन बीमारियों को भी खत्म किया जा सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में एक बीज मंत्र उपचार है जी। जो हमारे पूर्वज जो है ऋषि मुनि थे, जो मान लो कोई ऋषि मुनि भक्ति कर रहे हैं पहाड़ के ऊपर, ऋषिकेश के ऊपर कंदराओं में, तो उनके पास तो कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, तो वो इन्हीं एनर्जीज का आवाहन करते थे और अपने आप को ठीक करते थे। तो बीज मंत्र उपचार जो है वो हमने अभी रिसेंटली अध्ययन किया है, उससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट हो सकता है। मगर इसको करने वाला और इसका अध्ययन करने वाला, उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने वाला, और पेशेंट में भी पेशेंस होना चाहिए कि मैं इस मंत्रों का उपचार जिससे करवाऊं या खुद करूं तो डेफिनेटली उसका लाभ मिलेगा। तो फिलहाल मां कुष्मांडा को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वृश्चिक राशि में जो है गुरु का प्रवेश हो रहा है तो क्या असर रहेगा 12 राशियों पर गुरु के प्रवेश का? देखिए, प्रवेश हो चुका है जी। 11 तारीख को वृश्चिक राशि के में गुरुदेव जो है वो प्रवेश कर चुके हैं। 13 महीने के लिए गुरु जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे। मित्रों, वृश्चिक राशि मंगल और अंगारक की राशि है। मंगल की राशि बृहस्पति वहां पे प्रवेश करते हैं तो डेफिनेटली बृहस्पति का
लाभ और हानि दोनों तरह के योग बनते हैं, अलग अलग राशियों के ऊपर अलग अलग लाभ और हानियां होती हैं। वृश्चिक राशि जो है बड़े दिग्गज नेताओं की है। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी है, भाजपा की भी वही राशि है मैंने सुना। हाँ, आपने बहुत सही पकड़ा। तो नरेंद्र मोदी साहब की वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। डेफिनेटली आदमी अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करता है। आपने देखा कि जिस दिन गुरु वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे थे उसी दिन मार्केट 780 पॉइंट ऊपर बढ़ गई। जी, आपने देखा होगा मार्केट 780 पॉइंट ऊपर बढ़ी और बाजार में जिन लोगों को नुकसान हो रहे थे वो फायदे में परिवर्तित होते गए। 12 राशियों में मेष और वृश्चिक मंगल की राशि है। डेफिनेटली वृश्चिक राशि वालों को लाभ मिलेगा। नरेंद्र मोदी है या भारतीय जनता पार्टी है, वृश्चिक राशि वालों को तीन लाभ मिलेंगे। एक तो वो अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हो सकता है बीजेपी जीएसटी में कुछ प्रावधान लेके आ जाए या किसी तरह का आरबीआई में कुछ इंटरेस्ट रेट पे ढील दे दे और किसी ना किसी तरह आम आदमी जो है उसको कोई ना कोई राहत मिले। मगर आम आदमी जो वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो मेष से लेकर मीन तक अलग अलग उसके इफेक्ट आपको मिलेंगे। इसके बारे में हम एक शो कर रहे हैं 18 तारीख को 8 बजे सुबह लाइव इसी चैनल के ऊपर, और आप इस मंच के ऊपर वो कार्यक्रम देखिए। उसमें हम 12 राशियों की वृश्चिक राशि में गुरु के प्रवेश और बाकी ग्रहों की रचनाओं के हिसाब से आपका भविष्य, दशहरा के दिन आपको एक उपहार देंगे। बहुत से लोगों का ये सलाह थी कि कोई ऐसा शो करें पंडित जी आप, तो ये हम 18 तारीख को सुबह 8 बजे करेंगे। जी बिल्कुल, हम तो दर्शक भी देखेंगे, उस वक्त पूरा आपको बताएंगे। जी जी, अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ पंडित जी, क्या कहती है राहुल गांधी की जो है जन्म कुंडली? राहुल गांधी की जन्म कुंडली जो है, मैं बड़े दिनों से 17 जुलाई 2017 से ये बोलते आया हूं कि राहुल गांधी जो है वो प्रबल होंगे। लोगों ने उनके उपनाम रखे हुए थे, आपने देखा कई सारे नाम रखे हुए थे उनकी चाल ढाल। डेफिनेटली एक व्यक्ति जब किसी नए काम में प्रवेश करता है तो उसके तजुर्बे की वजह से उसको कुछ नुकसान उठाने पड़ते हैं। मगर एक बात ध्यान रखिए कि राहुल गांधी की पीठ के ऊपर और उनके नाम के साथ गांधी लिखा हुआ है, जो इस देश का सबसे प्रबल राजनीतिज्ञ परिवार है, इस बात को तो कोई भूल नहीं सकता। जी बिल्कुल, अगर उनकी कुंडली का अध्ययन करें, जैसे आपने मुझे बोला है बहुत बार, मैं उनकी कुंडली का अध्ययन यहाँ पे आपके समक्ष कर चुका हूँ। जी, तो मिथुन राशि है और कहीं ना कहीं कर्क राशि का प्रभाव भी उस उनकी कुंडली में आता है। चंद्रमा कर्क राशि में उच्च का हो जाता है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। मोदी जी की राशि बीजेपी की राशि, बीजेपी की शपथ विधि की राशि वृश्चिक, और बहुत से दिग्गज लोगों ने यह सवाल मुझे पूछा था उस दिन जब उन्होंने शपथ ली मोदी जी ने बीजेपी ने कि ये शाम को शपथ ले रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? मैंने आज तक किसी राजा या किसी बहुत बड़े मंत्री या किसी प्रधानमंत्री को शाम को शपथ लेते हुए नहीं देखा। डूबते हुए सूरज को तो हम प्रणाम भी नहीं करते सनातन क्रियाओं के मुताबिक। हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी शास्त्र के मुताबिक डूबते हुए सूरज को प्रणाम करना भी हमारे में नहीं वर्जित है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त अगर हम राहुल गांधी की कुंडली का अध्ययन करें तो 17-7-2017 से चेंजेस आ गई हैं। जी बिल्कुल, और ये चेंजेस लगातार उनको प्रबल कर रही हैं, ऐसे प्रबल कर रही हैं कि चाहे पठानकोट का इलेक्शन हो, चाहे 3-4 इलेक्शन जो बीच बीच में हुए हैं वो हो, यहां पर गुजरात में पिछले 4 सालों में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की हालत की थी वो हालत सुधर गई, 79 सीट्स के ऊपर आ गए। कहीं ना कहीं उस दिन जीतते हुए दिखाई दे रहे थे मगर कहीं ना कहीं हाशिए के ऊपर आ गए। आज भी कभी भी कुछ भी परिवर्तन वहां पर हो सकते थे और हो सकते भी हैं। कर्नाटका में आपने देखा कांग्रेस सरकार बना गई, राहुल गांधी दिन ब दिन प्रबल हो रहे हैं। कई चैनलों के माध्यम से और कई विशेषज्ञों के माध्यम से आगे आने वाले इलेक्शंस में कांग्रेस को बढ़त और कांग्रेस को विजयी घोषित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का
अगर हम हॉरोस्कोप देखें तो उसमें आगे आने वाले दिनों में प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक मेरी और डेट आप सुन लीजिए, लोगों ने बहुत से लोग 17-7 के बाद की बातें करते हैं कि आपने बोला था वाकई वो सही हो रहा है। 18-2-2018 से और प्रबल होते हुए दिखाई देंगे राहुल गांधी, यानी 18-2-2019 से, आई एम सॉरी फॉर ईयर का मेरे, 18-2-2019 से और प्रबल होते हुए दिखाई देंगे। और इस प्रबलता में डेफिनेटली एक बात तय है कि जितने भी संगठन राहुल गांधी या कांग्रेस के विरुद्ध, चाहे वो अखिलेश हैं, चाहे वो मायावती हैं, चाहे उनके पास में बीजेपी में जाने का भी तो पर्याय आपको दिखाई नहीं देता, ये तो मानते हैं आप, वो तो बीजेपी के विरुद्ध खड़े हैं, तो फिर पर्याय कौन बचता है? कांग्रेस। तो पॉसिबल है कि जो लोग उनसे नाराज चल रहे हैं, चाहे ममता दीदी हैं, चाहे अखिलेश हैं, चाहे उनकी कुंडली में प्रबलता के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी 150 के नीचे सीटें लेकर जाती है 2019 में, तो डेफिनेटली कांग्रेस जो है 140-160 सीटें नेक टू नेक फिनिश में कांग्रेस के सरकार बनाने के योग भी बन सकते हैं। तो इसलिए कभी भी शत्रु को या मित्र को छोटा मत आंकिए। डेफिनेटली राहुल गांधी की कुंडली में आगे आने वाले दिनों में शंख योग बन रहा है, प्रबल योग बन रहा है। इस योग से राहुल गांधी जो है कांग्रेस को एक नई दिशा दे सकते हैं जी। अब आपने ये सवाल दूसरा किया कि वो जो अटैक कर रहे हैं, टिका टिप्पणी चल रही है, निशाना साधे हुए हैं वो। हर शत्रु अपने शत्रु के आप हर व्यक्ति अपने शत्रु पे निशाना साधता है। आप देख लीजिए, कोई भी किसी भी तरह का व्यक्ति, आप देख लीजिए, आप किसी चीज को, किसी पक्षी को या किसी जानवर को हिट करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको डंक मारने की कोशिश करेगा। तो राहुल गांधी की प्रबलता, राहुल गांधी की नेचर, वो क्यों चुप बैठे आप बताइए? अगर रफाल कोई भी मुद्दा लेकर राहुल गांधी रोज ये वही राहुल गांधी है जिनकी मुंह में जुबान नहीं थी, आपने देखा होगा, और ये वही राहुल गांधी है जिनकी दादी को लोग गुंगी गुड़िया कहते थे, इंदिरा गांधी को, और वो देश में नहीं पूरे विदेश में इतना अच्छा बोली कि आज भी लोग उनका यूट्यूब के ऊपर लेक्चर सुनते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में सरस्वती नजर आती थी। और ये वही राहुल गांधी हैं जिसको लोग उपनाम रखते थे, उल्टे सीधे नाम रखते थे, आज वही राहुल गांधी जो है दिग्गज नरेंद्र मोदी के ऊपर रोज अटैक करते हैं जी, बिल्कुल, और अपनी भाषा में उनके आपको परिवर्तन दिखाई देते हैं। कई सवालों के जवाब आपसे हम जानना चाहते हैं, आइए मात्र त्यापूर्वी वे जाने लेकर छोटे सा ब्रेक। ब्रेक नंतर राजमंत्र मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। आणि नवरात्रोत्सव सध्या सुरू आहे आणि त्याच अनुषंगानं दसऱ्याच्या दिवशी पंडितजींचा एक विशेष कार्यक्रम तुम्ही पाहू शकणार आहात 18 तारखेला सकाळी 8:30 वाजता, तर पाहायला विसरू नका। वळूया पुढच्या प्रश्नाकडे। पंडितजी, एक दिलचस्प कॉन्ट्रोवर्सी आजकल चल रही है, वो है हैशटैग मी टू को लेकर। काफी सारे नाम सामने आ रहे हैं, तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर। तनुश्री ने कई सारे गंभीर आरोप जो है नाना पाटेकर जी के ऊपर किए जी, तो ये पूरा जो कैंपेन है उसको देखकर आपको क्या लगता है? देखिए, ये कैंपेन तो इसको नहीं कह सकते, एक बड़ी दुर्दैवी घटना है ये। इसको बहुत ही एक नाजुक प्रश्न है जी। अगर तनुश्री की कुंडली का अध्ययन करें तो 19 मार्च 1984, और नाना की कुंडली का अध्ययन करें तो जनवरी 1, 1951, 1 जनवरी 1951। और इनकी दोनों की अगर कुंडलियों का अध्ययन करें तो तनुश्री की कुंडली में मंगल जो है वो केतु के साथ बैठा हुआ है, और नाना की कुंडली में जो है, देखो ये क्योंकि खेल ही सारा मंगल का है, अष्टम भाव में दोनों के मंगल बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की ईगो भी एक तरह एक दूसरे के विरुद्ध डेफिनेटली आई होगी। अब ये प्रश्न की बात है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो यही कहूंगा कि नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता वास करते हैं, और महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि, कहीं ना कहीं
अगर इस तरह का मी टू हैशटैग मी टू वाला जो केस ऐसे जो वातावरण चल रहे हैं वो डेफिनेटली भारत की अस्मिता के लिए बहुत खराब है। स्त्री जाति का जो है सम्मान जो है वो कहीं ना कहीं रहना चाहिए और होना चाहिए, हमारे देश में कड़े कदम उठाने चाहिए। और अगर कहीं ना कहीं स्त्री जो है वो गलत है तो उसके ऊपर भी उसका नियम जो है वो लागू होना चाहिए। अब ये विषय में नाना ने क्या किया और तनुश्री ने क्या किया इसकी गहराई में जाना ही नहीं चाहता हूं मैं, मगर डेफिनेटली मैं एक पक्ष जरूर लेता हूं कि कहीं ना कहीं अगर तनुश्री के साथ ऐसा हुआ है और वहां पर तो एमजे अकबर के बारे में भी ऐसी ही कोई बात सामने आई है और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोगों के नाम जो है एक के ऊपर एक आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये जो बात है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी ऐसे जो विषय हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट को एक सख्त कदम उठाने चाहिए। और अभी आज मेनका गांधी का एक बयान भी है कि इसके ऊपर हम कमेटी बनाने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जो संस्था बनेगी वो इसका फैसला करेगी। कहीं ना कहीं ये जो सारा माहौल है ये 19 अक्टूबर तक जो है प्रबल रहेगा, आपको रोज सुनने को मिलेगा कि इसके ऊपर ये हुआ उसके ऊपर ये हुआ, उसके बाद ये धीरे धीरे फेड आउट होता जाएगा। मगर वो चाहे नाना है चाहे वो एमजे अकबर है, स्त्री का सम्मान अपनी जगह पे है, इसलिए उसको पूरा सम्मान देना जो है हमारा फर्ज बनता है। मगर नाना की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, कुंडली के मुताबिक डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं गणपति बप्पा की आराधना कर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, काफी कम वक्त है हमारे पास में और सवाल कुछ ज्यादा है, मैं आपकी तरफ और बढ़ता हूँ कि अभिनेता दिलीप कुमार जी की तबीयत कैसी रहेगी और साथ ही में अक्टूबर हिट जो है काफी बढ़ चुकी है, बारिश लौट चुकी है, ड्रॉट जो है पूरे महाराष्ट्र में हमें दिखाई दे रहा है। देखिए दिलीप साहब की जो कुंडली का हम अध्ययन करें, पिछले हफ्ते हमने करना था तो पेशावर में उनका जन्म हुआ, पंजाबी स्पीकिंग एक्टर, महानायक, बादशाह फिल्म इंडस्ट्री के, सबसे पहले तो मैं उनको सलाम करता हूं और ऐसी हस्ती हमारे देश में पैदा हुई इसके लिए हम गौरवान्वित हैं इस बात से कि, मगर सेहत को लेकर मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा माहौल वातावरण है। अभी उनकी आयु जो है वो 87-88 के ऊपर हो चुकी है, क्लोज टू 90 हो चुकी है, मगर उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 12 दिसंबर तक दिलीप साहब के ऊपर बहुत ही खराब दिन चल रहे हैं। उनको डॉक्टरों का परामर्श मानते रहना चाहिए और सायरा जी से मैं यही कहूंगा कि जिस तरह भी आज के दिन हमारा कोहिनूर आपके आपके पास है उसका ख्याल रखें, हम सब उनके लिए दुआ करें। मगर 12 दिसंबर तक डेफिनेटली दिलीप साहब के लिए अच्छे दिन नहीं है, किसी भी तरह की बुरी खबर भी सुनने को मिल सकती है। मैं उनकी लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करूंगा कि उनकी दीर्घायु हो। अब हीट की बात की आपने, तो अक्टूबर और अप्रैल जो है वो डेफिनेटली महाराष्ट्र में या कोस्टल एरियाज में ऐसे ही हुआ है, 99% गर्म ही रहा है, बारिश के आने के आसार खत्म हो चुके हैं, बारिश अभी जाकर आएगी जून जुलाई 2019 में, उससे पहले तो बहुत कुछ हो चुकेगा। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस जो है वो बढ़ेंगे, जो आपने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस और बढ़ेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी में एक ऐसी क्रांति आएगी कि देश के वैसे भी मैं तो यही कहूंगा कि मोदी जी ने तो बहुत छोटे छोटे गांव में बिजली पहुंचा दी है, तो डेफिनेटली इस पहुंचने के बाद में वहां पे बल्ब जगने भी चाहिए, मगर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस अगले 3 से 6 महीनों में और बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जी वन लाइन मुझे आपसे चाहिए, देश की आर्थिक स्थिति कब बदलेगी और शेयर बाजार कैसे रहेगा? शेयर बाजार में एक जिस तरह की घिसरन थी वो खत्म हो चुकी है परसों से, गुरु बदलने से 34,733 के ऊपर बाजार बंद हुआ। ये हफ्ता कम से कम 3 दिन अच्छा रहेगा, ये बाजार ऐसा समझ लीजिए वापस जो है 33,836 की तरफ एक बार मुड़ता हुआ दिखाई देता है, तो मगर अच्छा नहीं है आगे, नवंबर दिसंबर अच्छे नहीं है। एनएससी 10,800 तक वापस जा सकता है, गोल्ड के और सिल्वर के दोनों के भाव बढ़ सकते हैं, क्रूड में तेजी रहेगी,
और रुपए में डेफिनेटली रुपया गिरता रहेगा, मार्केट 36,000 एक बार वापस छू सकती है, तो अपना प्रॉफिट या अपना नुकसान कम होता हुआ उसको निकाल कर अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तर आतापर्यंत अनेक उत्तरं जी ती पंडितजींनी दिलेली आहेत आणि त्यानंतर आपल्यापर्यंत हा कार्यक्रम ज्यांनी ज्यांनी पसंत केलेला त्यांची नावं आपल्याकडे आलेली आहेत, त्यात आहेत समीर राजपूत, त्यानंतर बाला खेडकर, संजय जळगावकर ठाण्याहून, तर विकास गांधले, त्यानंतर निलेश शिरकर, इंदर भाटिया, मिस्टर कोसन अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, मिस्टर शिवाजी खड्डे सोलापूरहून, तर मिसेस ज्योती दरक यांनी देखील पोचपावती दिलेली या कार्यक्रमासंदर्भातली। तर आपला कार्यक्रम जो तो अनेक प्रेक्षकांना आवडतोय, पंडितजी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और हमारे दर्शकों से आपने बातचीत की, शुक्रिया, धन्यवाद। तर राजमंत्र मध्ये वेळ झाली इथंच थांबण्याची, मात्र तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र।